नमस्कार, इंडिया न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। चलिए अब खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केवीएट के साथ एक अर्जी भी दाखिल की है, जिसमें राज्य सरकार ने कहा कि बिहार पुलिस द्वारा मामले की जांच को जारी रहने दिया जाए। सरकार ने रिया चक्रवर्ती की उस मांग का विरोध किया है, जिसमें रिया ने कहा है कि जब तक उसकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित रहती है, तब तक बिहार पुलिस को आगे की जांच से रोका जाए। इस बीच सुसाइड केस में आरोपों से घिरी सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के परिवार पर संगीन आरोप लगाए। केस पटना से मुंबई ट्रांसफर करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में रिया ने यह आरोप लगाया। रिया का आरोप है कि पटना में एफआईआर दर्ज कराने में सुशांत के बहनोई एडीजी ओपी सिंह ने दबाव बनाया। रिया चक्रवर्ती का यह भी आरोप है कि सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को ओपी सिंह और मीतू सिंह ने रिया पर सवाल उठाने को कहा था। सुशांत की मौत पर अंकिता लोखंडे ने तोड़ी चुप्पी। वो डिप्रेशन में नहीं था। एक टीवी इंटरव्यू में अंकिता ने कहा, जब ये न्यूज आई कि सुशांत ने सुसाइड कर लिया, इस चीज को स्वीकार करने में बहुत समय लगा, लेकिन मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि सुशांत उस तरह का इंसान नहीं था जो डिप्रेशन में हो, जिसे किसी चीज का दुख हो और वो सुसाइड कर ले। उत्तर प्रदेश में गाड़ी चलाने के दौरान मोबाइल पर बात करना महंगा पड़ेगा। दोपहिया और चार पहिया गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करने वालों पर पहली बार 1000 और दूसरी बार 10000 रुपए का जुर्माना लगेगा। उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली के तहत बढ़ी हुई दर से जुर्माना लगाए जाने का शासनादेश गुरुवार को जारी कर दिया गया है। शासनादेश के मुताबिक अब बिना हेलमेट अब 1000 रुपए जुर्माना होगा। अगस्त महीने की शुरुआत होने वाली है। इस महीने के पहले दिन यानी 1 अगस्त को देश के अधिकतर हिस्सों में बैंक बंद रहेंगे। दरअसल इस दिन बकरीद की वजह से बैंकों में कामकाज नहीं होगा। 1 अगस्त को बकरीद की वजह से बैंक बंद है तो 2 अगस्त को साप्ताहिक अवकाश का दिन यानी रविवार है। वहीं 3 अगस्त को रक्षाबंधन की वजह से देश के कुछ हिस्सों में बैंकों में कामकाज नहीं होगा, यानी महीने की शुरुआती 3 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। पाक सेना ने अफगानिस्तान पर दागे रॉकेट, 9 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घायल। अफगानिस्तान की न्यूज एजेंसी के मुताबिक कंधार के स्पिन बोल्डर जिले के आबादी वाले इलाके में पाकिस्तान सेना ने रॉकेट दागे। इस हमले में 9 आम नागरिकों की मौत हो गई। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए अफगान बलों को पूरी तरह से तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। रफाल के आने से दहशत में पाकिस्तान, विश्व समुदाय के पास गिड़गिड़ाकर कहा, भारत को हथियार जमा करने से रोका जाए। साल 2008 में सीधे इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती हुए इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अधिकारियों को हाईकोर्ट का फैसला आ जाने के बाद डीएसपी बनाए जाने की दरकार है। उन्होंने अनिल विज से मुलाकात की और अपनी बात रखी। हालांकि गृहमंत्री अनिल विज ने इन इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को डीएसपी बनाए जाने की फाइल पर हस्ताक्षर भी कर दिए, लेकिन अब इस मामले में इंस्पेक्टरों ने गृहमंत्री अनिल विज के निवास पर पहुंचकर विज से इंसाफ की मांग की है। हाईकोर्ट का फैसला आ जाने के बाद और खुद गृहमंत्री अनिल विज के हस्ताक्षर फाइल पर होने के बावजूद इंस्पेक्टर से डीएसपी ना बनाए जाने के मामले में ये बात समझ नहीं आ रही कि उनकी फाइल किसने रोकी है। विज ने सीएम से मुलाकात करने की बात कही। हरियाणा सरकार ने 2 खिलाड़ियों को खेल उपनिदेशक लगाया है। पहलवान बबीता फोगाट और कबड्डी खिलाड़ी कविता देवी को तत्काल प्रभाव से नियुक्ति दे दी गई है। बबीता चरखी दादरी से बीता विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी है। कविता जींद जिले के पड़ाना गांव की है। सरकार ने उत्कृष्ट खेल सेवा नियम के तहत दोनों को नियुक्ति दी है। ये दोनों खिलाड़ी खेल से जुड़े विभाग में नियुक्ति चाहती थी। इन्होंने अपनी उपलब्धियों के आधार पर अन्य विभाग में नौकरी लेने से मना कर दिया था। इनका तर्क है कि वो खेल से जुड़ी हैं और खेल को ही बढ़ावा देना चाहती हैं, इसलिए खेल विभाग में ही लगाया जाए।
सरकार ने इन्हें नियुक्ति देने के साथ ही विभिन्न नियम और शर्तें भी लगाई हैं। अगर इन्हें नियुक्ति पत्र स्वीकार है तो पद संभालने के बाद दोनों खिलाड़ी किसी पेशेवर खेल विज्ञापन और अन्य वाणिज्यिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले सकते। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से शिष्टाचार मुलाकात की। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के महान क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह की पुण्यतिथि पर भूपेंद्र हुड्डा ने उन्हें नमन किया। पानीपत के बिंजौल गांव में ग्रामीणों पर हुए पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज और वाटर कैनन मामले के चलते प्रदर्शनकारियों को गंभीर चोटें आई हैं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कश्यप समाज के इंद्रिय से विधायक रामकुमार कश्यप ने पानीपत पहुंचकर पूरे घटनाक्रम की निंदा की। बीजेपी विधायक रामकुमार कश्यप ने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा और वो उनको समाज शांति से नहीं बैठेगा। उन्होंने कहा कि अगर न्याय के लिए उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा तो वो पीछे नहीं हटेंगे। बीजेपी विधायक रामकुमार कश्यप ने मामले को गलत तरीके से दिखाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पुलिस सरकार को बदनाम कर रही है। बता दें कि अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। बीजेपी विधायक ने सीएम से मिलकर बात करने का आश्वासन लोगों को दिया। बीजेपी विधायक ने कहा कि 3 बच्चों की मौत नहीं बल्कि उनकी हत्या की गई। बता दें कि 2 सप्ताह पहले नहर में 3 बच्चों के शव मिले थे, जिसको लेकर लोगों में गुस्सा है। लोगों ने बच्चों की हत्या का आरोप फैक्ट्री स्टाफ पर लगाया, जिसमें से अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। कल लोगों ने लघु सचिवालय पर प्रदर्शन किया था। जब लघु सचिवालय पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो उन्होंने जीटी रोड पर जाम लगा दिया। लोगों का आरोप है कि पुलिस ने मृतक बच्चों की मां समेत कई लोगों को पीटा और कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत राम जन्मभूमि आंदोलन से हुई थी। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन के दौरान साध्वी रितंबरा यमुनानगर आई और उनका उद्बोधन सुनने के बाद उन्होंने राजनीति शुरू की। उन्होंने बताया कि वो 3 बार अयोध्या जा चुके हैं, 3 बार कार सेवा के लिए वहां जाकर भाग लिया। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि 5 अगस्त को पीएम मोदी अयोध्या में श्री राम मंदिर का शिलान्यास कर रहे हैं। अभिनेता अमिताभ बच्चन के घर के बाहर लगे कोरोना प्रतिबंधित क्षेत्र का बैनर हटा दिया गया है। हर रोज टूट रहे हैं कोरोना केस के रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में 54,000 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि, 783 ने गवाई जान। एक्टिव केस की संख्या 5,44,000 के पार। भारत में कोरोना वायरस के मामले 16,39,355 हो गए हैं, जबकि कोरोना से अब तक 35,786 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना के एक्टिव केस 5,44,048 हो गए हैं, जबकि 10,59,093 लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 81,000 के पार हो गई है। कोरोना से अब तक 1,587 लोगों की मौत हुई है। यूपी में एक्टिव केस 32,649, जबकि 46,803 लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या में अब धीरे धीरे कमी आ रही है। दिल्ली में अब एक्टिव केस 10,743 बचे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामले 4,11,798 हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना से 14,729 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में 1,48,150 एक्टिव केस हैं, जबकि यहां 2,48,615 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। हरियाणा में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 623 नए केस, 4 मौत, 34,000 के पार पहुंचा पॉजिटिव केस का आंकड़ा, 27,000 से ज्यादा रिकवर। 4 महीने से बंद पड़े जिम अब जल्द ही खुलने वाले हैं, जिससे जिम संचालकों को चेहरे पर खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। अनलॉक 3.0 में सरकार ने जिम खोलने की राहत दे दी है। 5 अगस्त से देश भर में जिम खुलेंगे। जिम को खोलने के लिए सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है। सिरसा में जिम मालिकों ने जिम खोलने से पहले तैयारियां शुरू कर दी है। जिम को सैनिटाइज कराया जा रहा है, साथ ही सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस की पालना करते हुए तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
कोरोना महामारी के चलते देश में सभी स्कूल कॉलेज मंदिर मस्जिदों को खोलने पर पाबंदी है, लेकिन फरीदाबाद में मासूम बच्चों की जिंदगी से खेलने वाले मौलवी का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि आरोपी मौलवी 40 से 45 बच्चों को एक कमरे में बैठाकर इस्लामिक शिक्षा देने के नाम पर महामारी को ताक पर रख दिया और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन सभी को भूल गया। वीडियो वायरल होने के बाद फरीदाबाद पुलिस हरकत में आई और मौलवी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 188 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला शहर के बसंतपुर इलाके का बताया जा रहा है। यमुनानगर में सिविल हॉस्पिटल की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया। दरअसल जवाहर नगर से 28 जुलाई को एक युवक को उसके परिजन इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल ले गए थे, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले युवक की डेथ हो गई, जिसके बाद सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर उसका कोरोना टेस्ट किया और रिपोर्ट नेगेटिव आई। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया, लेकिन जैसे ही शव लेकर परिजन घर पहुंचे तो उन्हें दोबारा बताया गया कि युवक को कोरोना है। अस्पताल की तरफ से दाह संस्कार करने के लिए मना कर दिया गया। कुछ देर बाद में एम्बुलेंस मृतक के घर पहुंच गई, लेकिन परिजनों ने डेड बॉडी देने से इनकार कर दिया और मेन गेट पर ताला लगा दिया। बाद में पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा और शव को सिविल हॉस्पिटल भिजवाया गया। सिविल सर्जन ने जांच के आदेश दिए हैं। सोनीपत के सेक्टर 23 में 30 फुटा रोड पर किराना की दुकान में रात को अज्ञात चोरों ने सेंध लगा दी। पहले चोरों ने शटर तोड़कर दुकान के अंदर घुसे और दुकान में रखा सारा सामान और कैश चुरा लेकर। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने दुकानदार की शिकायत पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जाखल नई मंडी चौक के जबरदस्ती कब्जे को लेकर हुए विवाद से गुस्साए वार्डवासियों ने जाखल के अलग अलग बाजारों में रोष प्रदर्शन करते हुए नगरपालिका के खिलाफ नारेबाजी की। इस रोष प्रदर्शन ने पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी बढ़कर हिस्सा लिया। वार्डवासियों ने नगरपालिका कर्मियों के साथ होने का आरोप भी लगाया। वार्डवासियों ने इस मामले में शामिल होने वाले सभी कर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। फतेहाबाद के गांव महमदपुर रोही के पास हिरण का शिकार करते दो लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। दोनों ने गोली मारकर हिरण की हत्या की और उसकी खाल उतार रहे थे। लोगों ने मौका मिलते ही दोनों को पकड़ लिया और इसकी सूचना जीव रक्षा विभाग को दी और उसके बाद ये दरअसल देर रात का मामला बताया गया। इंद्री की तरावड़ी के राजगढ़ में रहने वाले राजकुमार का शव पश्चिमी यमुना नहर में मिला है। दो दिन पहले लाडवा पुलिस ने गुमशुदगी का मामला इसमें दर्ज किया था। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। करनाल में हांसी चौक के पास गली नंबर 11 में खड़ी एक कार के शीशे शरारती युवकों ने तोड़ दिए। कार मालिक ने पुलिस को शिकायत दी। रात को यह घटना हुई। साली से छेड़छाड़ के आरोपी जीजा को पंचकुला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेश करने के बाद उसे अंबाला जेल भेज दिया गया। सेक्टर 16 पुलिस चौकी इंचार्ज ब्रजपाल ने बताया कि आरोपी एक्साइज विभाग में चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है। महिला ने शिकायत में बताया कि कुछ समय पहले उसके पति की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसका जीजा उसे बच्चों की शहर में अच्छी परवरिश करने का झांसा देकर गांव से शहर लेकर आया था। महिला का आरोप है कि उसके जीजा ने महिला की जमा पूंजी भी खर्च कर दी और महिला से छेड़छाड़ करने लगा और धमकियां भी देने लगा, जिसकी शिकायत महिला ने सेक्टर 16 पुलिस चौकी में दर्ज कराई। मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। फरीदाबाद के डीएलएफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने रोटरी क्लब फरीदाबाद मिडटाउन के साथ मिलकर डीएलएफ इंडस्ट्रियल एरिया में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें कोविड-19 फिर सुरक्षा को लेकर सभी तरह के बंदोबस्त किए गए, जिससे रक्तदाता को किसी तरह की समस्या ना हो। भिवानी जिले के रोहनाथ गांव के पास रहने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के सबसे बुजुर्ग वंशज आत्माराम के लिए 15 अगस्त 2020 को 74वां स्वतंत्रता दिवस समारोह उनके जीवन का सबसे खास और यादगार अवसर होगा, जब वो अपने गांव में उपायुक्त की मौजूदगी में तिरंगा फहराएंगे। ये निर्णय मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित रोहनाथ फ्रीडम ट्रस्ट के गवर्निंग ट्रस्टीज की पहली बैठक में लिया गया। बैठक के दौरान भिवानी के उपायुक्त अजय कुमार ने मुख्यमंत्री की ओर से आत्माराम के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्हें शॉल भेंटकर उनका सम्मान किया।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आत्माराम को स्वर्गीय बेदो देवी के स्थान पर नए गवर्निंग ट्रस्टी के रूप में नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की। बैठक में मुख्यमंत्री ने लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से गांव में कराए जाने वाले विकास कार्यों को भी मंजूरी प्रदान की। इस राशि से गांव में स्थापित शहीद स्मारक में पुस्तकालय की स्थापना, डाब जोहड़ बरगद के पेड़ और कुएं का सौंदर्यकरण, गांव के स्कूल और स्ट्रीट लाइट के लिए सौर परियोजना के साथ साथ गांव रोहनाथ से बोहल तक संपर्क सड़क को पक्का करना शामिल है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी देने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ग्लोबल सिनेरियो को देखते हुए नई शिक्षा नीति स्कूलों, उच्च शिक्षा और वोकेशनल एजुकेशन के लिए इफेक्टिव होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा नीति तैयार करने के लिए 5 साल पहले अभूतपूर्व सहयोगी, व्यापक और अत्यधिक भागीदारी वाली परामर्श प्रक्रिया शुरू की गई थी। सीएम ने कहा कि इसके लिए देश भर से करीब 2 लाख ग्राम पंचायतों, शहरी स्थानीय निकायों और जिला स्तर से सलाहें आई हैं, जिन्हें इस पॉलिसी में शामिल किया गया। सीएम ने बताया कि इस नीति में स्टेक होल्डर्स और एकेडमिक जगत के लोगों की सलाह भी शामिल की गई। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में तेल के दाम कम करने की मांग उठाई। हुड्डा का कहना है कि लॉकडाउन की पाबंदियां काफी हद तक समाप्त हो चुकी हैं, सरकार की आमदनी के लगभग तमाम जरिए खुल चुके हैं, ऐसे में कोरोना काल और उससे पहले हुई तेल के दामों में बढ़ोतरी को वापस लिया जाए। हुड्डा ने कहा कि टिड्डी दल ने खेतों में कहर बरपाया, लेकिन बीमा कंपनियां टिड्डी दल से हुए नुकसान का मुआवजा देने से इनकार कर रही है। ऐसे में सरकार को जरूरत है कि किसानों की मदद के लिए आगे आए और टिड्डी दल के हमले से नुकसान की स्पेशल गिरदावरी कराई जाए। सरकार को फौरन आंकलन कर उचित मुआवजा देना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने मांग की कि सरकार को टिड्डी हमले से बचाव के लिए होने वाले दवाई छिड़काव घोटाले की भी गंभीरता से जांच करानी चाहिए, क्योंकि कई जगहों से शिकायत मिली थी कि वहां दवाई के नाम पर पानी का छिड़काव करवा दिया गया। फतेहाबाद में निगरानी समिति की बैठक के दौरान टोहाना के विधायक देवेंद्र बबली ने बिजली निगम के जूनियर इंजीनियरों पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा अपने अपने इलाकों में बिजली निगम के जरिए खुद बिजली की चोरी करवाते हैं। हरियाणा प्रदेश में हर साल की तरह इस बार रक्षाबंधन पर बहनों को हरियाणा रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा की सेवाएं नहीं दी जाएंगी। सरकार इस फैसले के पीछे कोरोना महामारी का कारण बता रही है। विपक्षी दलों ने महिलाओं की फ्री यात्रा सुविधा वापस लेने पर नाराजगी जाहिर की। सरकार की तरफ से भी कहा गया कि कोरोना के केस प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं, कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार रोडवेज की बसों में फ्री सफर का फायदा नहीं दिया जा सकता। हरियाणा सरकार के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, तो इसके चलते बसों में फ्री सफर की सुविधा की इजाजत नहीं दी गई है। खेल मंत्री संदीप सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा खेलों में हरियाणा बेहतर है, 3 से 4 राज्य चाहते थे खेलो इंडिया का आयोजन, और साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का धन्यवाद करते हैं कि हरियाणा को मेजबानी दी गई है। भवानीखेड़ा में 1983 पीटीआई की बहाली को लेकर सर्व कर्मचारी संघ ने इकट्ठा होकर रोष प्रदर्शन किया, विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सर्व कर्मचारी संघ ने कहा कि 1983 पीटीआई बहाली को लेकर कोई भी कदम उठाने को वो तैयार हैं। चेतावनी दी गई कि समय रहते अगर बहाली नहीं की गई तो 9 तारीख को जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। सरकार द्वारा बर्खास्त किए गए 1983 पीटीआई अध्यापकों का झज्जर में पिछले 45 दिनों से धरना और प्रदर्शन जारी है। वहीं पीटीआई अध्यापकों का कहना है कि अगर किसी अध्यापक की योग्यता और डॉक्यूमेंट्स में कोई भी कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें नौकरी से हटा दिया गया, ऐसे में उनके परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। चीन में भारतीय किसान यूनियन के नेता 2 अगस्त को हिसार से सांसद ब्रजेंद्र सिंह के गांव डुमरखा कला में उनके आवास पर नए कृषि अध्यादेशों के विरोध में ज्ञापन सौंपेंगे। इस साल नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड सेरेमनी को कोरोना वायरस के कारण 1 या 2 महीने के लिए टाला जा सकता है। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पिता बन गए हैं। पांड्या की पत्नी सर्बियाई डांसर अभिनेत्री नताशा स्टेनकोविक ने बेटे को जन्म दिया है। आईपीएल से पहले भारत में ट्रेनिंग कैंप लगना मुश्किल, बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों के लिए रिस्क नहीं लेना चाहती। वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड के कप्तान मॉर्गन ने कहा आईपीएल से खिलाड़ियों ने मुश्किल हालात में खेलना सीखा जो वर्ल्ड कप में काम आया। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने महेंद्र सिंह धोनी को रिकी पॉन्टिंग से बेहतर कप्तान बताया। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन ने कहा कि भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा को गेंदबाजी करना काफी चुनौतीपूर्ण है।
इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट मैच के लिए अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने कहा कि आगामी टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान की टीम मेजबान इंग्लैंड को चौंकाने में अधिक सक्षम है। कियारा आडवाणी शुक्रवार को अपना 28वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। कियारा ने कल फुगली से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की। कियारा जल्द ही लक्ष्मी बम, इंदु की जवानी और भूल भुलैया 2 जैसी फिल्मों में नजर आएंगी। एकता कपूर के मशहूर टीवी शो नागिन 5 का टीजर रिलीज हो गया है। टीजर में पहली बार हिना खान इच्छाधारी नागिन के अवतार में नजर आएंगे। कलर्स ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शो का टीजर रिलीज किया। नागिन के नए अवतार के लिए नागिन सीजन 5 जल्द ही सिर्फ कलर्स पर। विद्या बालन स्टारर फिल्म शकुंतला देवी आज अमेजन प्राइम वीडियो रिलीज हो चुकी है। फिल्म में विद्या ने मैथ्स की जीनियस और ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से मशहूर शकुंतला देवी का रोल निभाया है। एक्टर बॉबी देओल की अपकमिंग वेब सीरीज आश्रम का पहला लुक रिवील कर दिया गया है। बॉबी देओल ने ट्वीट करके वेब सीरीज का फर्स्ट लुक शेयर किया। वेब सीरीज में बॉबी देओल एक साधु के रोल में होंगे। हॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने इन दिनों सोशल मीडिया पर उछाई हुई हैं। उर्वशी रौतेला का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें एक्ट्रेस शानदार अंदाज में बैटिंग करती हुई नजर आ रही है। खास बात यह है कि उर्वशी वीडियो में लेफ्ट और राइट दोनों साइड से जबरदस्त अंदाज में बैटिंग कर रही है। आमिर खान की बेटी इरा खान यूं तो सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहती, लेकिन उनके फोटो और वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल होते हैं। इरा खान ने हाल ही में अपने वर्क फ्रॉम होम की कुछ बातें फैंस के साथ शेयर की और बताया है कि उनका ये अब तक का अनुभव कैसा रहा जो अब वायरल हो रहा है। बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट सिद्धार्थ शुक्ला और बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा का सॉन्ग दिल को करार आया रिलीज हो चुका है। गाने ने यूट्यूब पर आते ही धमाल मचा दिया। गाने में सिद्धार्थ शुक्ला और नेहा शर्मा की केमिस्ट्री देखने लायक है। एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। रकुलप्रीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। अवरोध द सीज विदिन आज सोनी लिव पर रिलीज हो चुकी है। वेब सीरीज शिव अरूर और राहुल सिंह की किताब इंडियाज मोस्ट फियरलेस पर आधारित है। फिल्म दिल बेचारा का नया सॉन्ग मैं तुम्हारा रिलीज हो गया। फिल्म 24 जुलाई को डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज की गई थी।